हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका थर्ड सेशन में। तो इससे पहले आपको ध्यान है, चलिए थोड़ा जो है सो बैकग्राउंड ठीक कर लिया जाए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो तीन दो सेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का। उसके बाद अभी हम लोग ने 6 या 7 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करके ख़त्म करते हैं और बनाने का स्पीड और तरीका देखते हैं। ठीक है, चलिए तो कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन पढ़ना है क्या है कि किसी संख्या का किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के दुगुने से 44 कम है। और वैसा बात है, किसी का फ्रैक्शन जो है सो किसी के मल्टीपल से तो उसी संख्या के मल्टीपल से तो कम ही होगा, राइट? तो सिंपली क्या करना है, संख्या तो आपको पता है नहीं, तो x मान लो। इसका जो दुगुना है वो क्या होगा, 2x। इसका जो 1/6 है वो क्या होगा, x/6। और इन दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहा है, 44। सिंपली कर दो क्या, तो 2x - x/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44। देखो कितना आसानी से बनेगा, 12 - x/6 = 44। सॉरी, 12x - x/6 = 44। 11x/6 = 44। 11 से 4 और x = 24। तो जल्दी से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसका क्या पूछ रहा है, 70%। तो थोड़ा ट्विस्ट है, कुछ नहीं है, इसका क्या हम लोग निकाल लेंगे, 70%। 0 से 0 चला जाएगा। 10 को रखना है, 10 को कभी काटे नहीं। ये अगर पॉइंट में आंसर है तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है तुरंत आंसर लाने में। 7 चौका 28 के 8, हासिल 2, 7 9 14 2 16, डिवाइडेड बाई 10 मतलब 16.8। ठीक है, 7 4 जा, थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा हो गया मल्टीप्लीकेशन में, 7 4 जा 28, 2 एंड देन 7 2 जा 14 और 2 16। ठीक है, 16.8 आपका जो है सो आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो 70, अब क्या है कि शून्य पद का स्थान मतलब जीरो टर्म, तो कब जीरो आ जाएगा, कौन से टर्म पे ये जीरो होगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि 72, 63, 53 है ना, तो इस तरह से ये जा रही है। ठीक है, तो कितना कम है देखिए, 63 9 का डिफरेंस है। ये a2 - a1, ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा, 10 आ रहा है, इसका मतलब आई थिंक यह टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 54 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 का डिफरेंस है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 72। तो ए मतलब क्या हो गया, 72 कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा याद रखना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, a2 - a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, 9 हो गया। तो चलो सिंपल बात है भाई, anth टर्म, an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सब पता है आप लोगों को। ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, इतना हमेशा ध्यान में रखें आप। ठीक है, तो एन हाँ, तो क्या बोल रहा है, कब जीरो आ जाएगा। ठीक है, एनथ टर्म, तो एक इसका वैल्यू जीरो है, ए का वैल्यू बताओ कितना है, 72। एन माइनस वन कितना है भाई, सॉरी सॉरी, एन तो आपको निकालना है कौन से टर्म में है, और डी का वैल्यू क्या है, -9 है ना, 60। और a2 - a1 करना है हमेशा। देखो डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि डिफरेंस तो 9 ही है, लेकिन जब a2 - a1 और a1 - a2 में डिफरेंस हो जाता है, अगर आप 72 - 63 करोगे तो 9 होगा, लेकिन जब हम a2 - a1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको प्लस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिख के बताया था, और जब हम लोग a2 - a1 करेंगे तो वो हमारा एक्चुअल कॉमन डिफरेंस जो होगा एक्चुअली में -9 होगा।
ठीक है, भले ही डिफरेंस 99 का है लेकिन वो क्या है रिड्यूसिंग मैनर में है, राइट। तो वो क्या होगा माइनस 9 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे सब जगह डी की जगह माइनस 9, तो क्या हो जाएगा, चलो ये 72 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -72। इनका वैल्यू बताओ क्या है, इनका वैल्यू नहीं पता है ना, है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -9। तो पता है ना माइनस से माइनस चला गया, 9 8 जा 72 चला गया, बताओ 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, तो क्या हो जाएगा 8 + 1 इज इक्वल टू 9, तो मतलब n का वैल्यू क्या हो गया 9। तो बहुत जल्दी जल्दी जो है सो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास नॉलेज, आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट ऐसे ध्यान दें, 8 - 7 9 है, ठीक है, -9 आपको पता चल गया, जीरो के बारे में पूछ रहा है, पहला टर्म क्या है 72, n-1 × d होता है, d के जगह क्या हो जाएगा हाँ, तो d के जगह क्या हो जाएगा -9, एक लाइन में आंसर निकलेगा, है ना, n-1 × -9, यहां से सीधा 8 और n का वैल्यू 8 + 1 9, एक मतलब विद इन द सेकेंड आपको जो है सो आंसर पता चल जाएगा। लेकिन मैं तो एग्जाम दे नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छे से आपको ये समझना है और तेज से प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ आपको करके दिखाया है, ठीक है। ऐसा ऐसी चीजें जो है सो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कैसे फॉर्मूला है और उसका क्विक अप्लीकेशन कैसे करना है, ये नहीं कि हमारी तरह जो है सो एकदम आराम से आप बनाने लगे एग्जाम में, है ना। तो ये प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस को थोड़ा क्विक करना है, ठीक है। चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, देखो यार इसमें क्या है, ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता ही नहीं हूँ अब, ठीक है। सिंपली इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे बताओ, 169 + 27 / 169 इज इक्वल टू 1 + x/13, है ना। इसको एक्स बाई थर्टीन को इसको रहने दो, पहले हम आराम से जो सॉल्व किया हुआ है उसको कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया पॉइंटर, हाँ ठीक है। चलो तो 9 7 16 86 196 / 169, आपको 20 तक तो एकदम कंफर्म याद रखना है ना। तो अब ऊपर डिवाइड, दोनों जब एक साथ रूट में हो तो ऊपर का रूट डिवाइडेड बाय रूट, चलो मैं लिख ही देता हूँ। इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर वाला क्या है 14, नीचे वाला क्या हो जाएगा 13 का है, 20 तक एकदम कंटस्ट याद रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है आप तुरंत मेरा वैदिक मैथमेटिक्स वाला जो चीज है वो देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कैसे तेजी से करना है। अच्छा ये किसके बराबर बोल रहा है करने के लिए, 1 + x/13, देखो भाई समझा रहे हैं तुमको, तो आप लोगों को ठीक है कि ये जो चीजें हैं इसको एकदम ध्यान में रखना है, ये नहीं कि अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते बैठ गए, ठीक है। एकदम क्या करना आपको ध्यान में होना चाहिए, अच्छा इसको हम 1 = 1/13 तो लिख सकते हैं यार, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए, है ना। सो क्या हो जाएगा, 1 से 1 चला गया, अब देखो क्या बच गया, 1/13 = x/13, 13 से 13 गया, एक्स के जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस केस में 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए थोड़ा कलर चेंज किया जाए। चलो अजीत अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चलकर जैनपुर से वाराणसी, ये हमारा जैनपुर है, ये वाराणसी है, इसके बीच की डिस्टेंस फिक्स है, और हमारे जो अजीत जी हैं, जो अजीत साहब हैं, वो दो कंडीशंस में चलते हैं, एक तो अपने वास्तविक चाल से चलते हैं, मान लेते हैं 1 है उनका, और एक क्या चलते हैं 3/5 x के हिसाब से चल लेते हैं, तो 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो 3/5 क्या है 0.6 हो रहा है, मतलब पहले से धीरे चल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेट चलेगा, तो जो धीरे चल रहा है धीरे, अच्छा टाइम टेकन आपको पता है ना, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो फॉर्मूला है बेसिक्स तो आपको
ध्यान में रहना है। तो चलो देखो पहला केस में क्या। अच्छा तो क्या था, इसको ओरिजिनली कितना समय लगता है पहुंचने में, ठीक है, अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय, तो यही वैल्यू है। वास्तविक चाल कितना है इसका, हम एक्स मानते हैं, और जो डी तो ऑलरेडी फिक्स है यार, तो वास्तविक टाइम इसका क्या होगा, ध्यान से समझो, डी बाई एक्स होगा, क्योंकि यही इसका वास्तविक चाल है। अच्छा तो है ना, सो ध्यान से देखो कि अगर अपनी वास्तविक चाल से 3/5 चलते, 20 मिनट देरी, तो देरी मतलब क्या, पहले वाले केस में कितना ज्यादा समय माइनस कम समय बराबर 20 मिनट होगा, तो ज्यादा समय किस केस में लगेगा, जब धीरे चल रहा है, तो डी बाई 3x/5 माइनस डी बाई एक्स इज इक्वल टू 20, और हमको किसका वैल्यू निकालना है, डी बाई एक्स का, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। 5d/3x माइनस डी बाई एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक हो, डी बाई एक्स झट से कॉमन आ जाएगा, 5/3 - 1 इज इक्वल टू 20, है ना, डी बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 20, 2 से कहाँ चला गया, 10 चला गया, तो डी बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 30, है ना, 30 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 30 मिनट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात भाई, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सिंपली अगर मैं होता तो कैसे बनाता सॉरी, सिंपली क्या है कि हमें आपको क्या निकालना है, तो सिंपली जो हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या है, 1 - 3/5 मतलब कि 2/5, सिंपल, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो चीज है, माफ कीजिएगा दोस्तों, तो ये जो हमारा जो डिफरेंस इन वेलोसिटी नहीं निकालना है, एक सेकेंड सॉरी, क्यों नहीं डिलीट हो रहा, चलो तो देखते हैं एक सेकेंड। एक सेकेंड ड्रॉ, हाँ तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो देखते हैं क्या कि देखो, तो टाइम कितना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी है, राइट। तो वेलोसिटी से अगर हमको क्या निकालना है, मान लेते हैं कि भाई 1 किलोमीटर ही हमारा डिस्टेंस रहा, ठीक है, तो इसका, इसको क्या टाइम लगेगा बोलो, 5/3, राइट, उल्टा कर देंगे। और दूसरे केस में क्या टाइम लग रहा है, नॉर्मल है, एक ही है मान लेते हैं, उसका 1 1 मीटर पर सेकेंड पर ही चल रहा है, तो 1 मिनट ही लगेगा, तो टोटल डिफरेंस कितना, सॉरी अभी डिफरेंस नहीं, तो इस केस में डिफरेंस कितना हो गया, इस केस में डिफरेंस कितना हो गया, 2/3, ठीक है। तो ये डिफरेंस किस डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, 20 मिनट के, 2/3 डिफरेंस है, तो कितना मिनट लेट हो रहा है ये, तो एक के केस में क्या हो जाएगा, 20 × 3/2, नो सॉरी 2/3, तो 20 के केस में क्या हो जाएगा, 20 / 2/3 मतलब क्या हो जाएगा, 20 × 3/2, 2 से 10, 10 तिहाई 30। तो ये प्रोसेस भी
कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है, जब भी फ्रैक्शनल चीज दिए हो तो हम मान लेंगे कि भाई डिस्टेंस 1 किलोमीटर था और उसका जो ओरिजिनल स्पीड था, जो ओरिजिनल स्पीड था वो भी 1 किलोमीटर पर आवर था। तो इस केस में हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यहाँ पे बहुत सारा वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से डिले हो गया है, एक सेकेंड फिर से। चलो तो देखते हैं अब क्या है। साधारण ब्याज द्वारा कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाए तो ब्याज की प्रतिशत। तो पहले सबसे पहले बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल बात है यार, तो अमाउंट क्या बोल रहा है, 7/6 ऑफ पी हो गया पी, अब पी प्लस एस पी, पी 3 है इंटू आर हमको पता नहीं है, बाई 100 हो गया, ठीक है। तो 7P/6-P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3PR/100। वहाँ क्या हो जाएगा बताओ, P/6 इज इक्वल टू 3PR/100। तो क्या हो जाएगा बताओ, P/6 इज इक्वल टू 3PR/100। तो P से P चला गया और है ना, तो और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 100/3/6। चलो थोड़ा इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं ना, हाँ हाँ नहीं इधर ही लिख लेते हैं, इस साइड लिख लेते हैं आराम से, है ना। तो क्या हो जाएगा, 100/18, तो 2 9 जाए 18, 250/9, तो 9 5 5 9 5 जाए 45 50/9, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अच्छा अच्छा सेम ही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके। सो वी हैव ऑलरेडी डन कि इसका आंसर ए है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको एक बार, है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलो देखो यार, एक व्यवसाय में 3500 पे आरंभ करता है, ए जो है सो कितना रुपया लगा रहा है, 3500 रुपया लगा रहा है, ध्यान से देखते चलना है, ठीक है। और उसके 5 महीने के बाद बी जो है सो 5 महीने के बाद ज्वाइन करता है, ये कितना मंथ है, 5 मंथ है, राइट। अच्छा और क्या बोलता है कि 1 वर्षों के बाद, कोई बात नहीं है, एक ईयर, यहाँ पर पहुँच के आपका कितना हो गया, एक ईयर, मतलब बी कितना महीना पैसा लगाया है, 7 महीना, ध्यान से देखते चलना है। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या हुआ है, 2/3, तो सिंपल भाई बात बताते थे, प्रॉफिट रेशियो उतना ही में बढ़ता है जितना आप पैसा लगाए हैं, उतना ही आपको इक्विटी मिलेगा, सिंपल सीधा सीधी बात है, ठीक है। जितना आप पैसा लगाओगे उतना ही इक्विटी आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा टाइम का भी कंस्ट्रेंट हो जाता है। चलो देखो अब बताओ तो यार, एक सेकेंड, चलो देखो भाई, तो हमको ये नहीं पता है कि बी जो है सो कितना रुपया लगाया, मान लो बी 100 रुपया लगाया है, तो भाई ये 3500 कितना महीना लगाया है, 12 महीना। तो शेयर का रेशियो देखो, रेशियो आपको ऑलरेडी दे चुका है, राइट, रेशियो जो है आपको ऑलरेडी दे चुका है। तो ए का रेशियो क्या हो जाएगा, ए कितना महीना तक लगाया, तो 3500 × 12, और बी का क्या सीन है, बी का क्या सीन है, बी कितना लगाया है, 7 ही महीना तो लगाया है, कितना रुपया, 100 रुपया, ठीक है। तो 7 × x इज इक्वल टू 2/3, जस्ट इस तरह से कैलकुलेशन कर देना है, ज्यादा दिमाग खर्चा करने का जरूरत नहीं है, है ना। 7 5 35 500 12 5 60 पर 2 0 / x इज इक्वल टू 2/3, 2 से क्या हो जाएगा,
3000, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर x, आपको थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, है ना। तो ये 2 जो कटा है एक्चुअली 3000 हो, तो इधर लिखेंगे, थोड़ा सा मैं उधर लिख दिया था, है ना। चलो तो अब क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 9000, है ना। तो 9000 इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब देखो यार क्या बोल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है, थोड़ा सा मैपिंग कर लीजिए और मल्टीप्लाई करिए, और रेशियो पे ही इसका जो है सो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये कर्सर बहुत जो है छोटा हो गया इसका। अब ठीक है ना। चलो तो क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। चलो इसमें भाज्य भाजक भागफल में दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होता है भाजक, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, यहाँ क्या होता है भागफल और यहाँ क्या होता है शेष, है ना। तो अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का, भागफल भागफल भाजक, भाजक भागफल का, भाजक मान लो एक्स, इसी को एक्स मान लो, ठीक है। भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 12x, तथा शेषफल का 5 गुना हो, शेषफल का 5 गुना हो, ये जो, और ये जो इसका है वो 5 गुना है, मतलब इसको हम x/5 नहीं ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, राइट। कि कोई कंफ्यूजन है ना। चलो तो और शेषफल 48 हो, बताओ शेषफल के बारे में ही यहाँ पर बोल दिया है कि 48 है, ठीक है। तो भाज्य पता करना है, तो देखो यार x/5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 बजे 40 के 0, वहां से 8/5 जब 40 0, यहाँ 4 और 5 का 20 4 24, ठीक है। तो हमारा जो भागफल है वो हमारा कितना आ गया, 240। ये भाई साहब कितना है, ये कितना है आपको, 48, और भाजक कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ देखो 12x/240 करोगे, सॉरी 12 × 240 करो, मतलब 12x है, तो x की वैल्यू क्या है, 240, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 × 240, है ना। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसको मन में करोगे, है ना, तो देखो 12 बराबर क्या होता है, 144, 144 दो ना 288, तो 2880 यहाँ पर इसका जो है सो ये आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा भाजक हो गया। और भाज्य बराबर क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी पर्पस क्वेश्चन जाएगा, ओनली मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो भाज्य बराबर बताओ कितना है, तो भाज्य तो पता है ही नहीं, भाजक कितना है, 12x, 12x का वैल्यू कितना निकला, 2880, है ना, कितना हो जाएगा भाजक गुने भागफल, भागफल कितना है, 240 + 48, लास्ट में 8 को जो सब में है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2880 × 240 + 48,
8, राइट।